टूरिज्म मंत्रालय मिडिल ईस्ट देशों से मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं देखता है. A lot of visitors come from the Middle East for health purposes, and India offers unique, you know, opportunities in terms of low cost and very high professional, you know, medical services. So, the medical value tourism is something that we'll promote, and of course, wellness destinations, and that is something that visitors from the Middle East will find significantly in India. A lot of places in the country where you can enjoy nature, you can enjoy wellness, have different kinds of treatment also. The Ayurvedic treatment, for instance, which is available. So these products will be highlighted when we tap, you know, visitors from Middle East market. नागर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच उड़ान कनेक्टिविटी को हरी झंडी दिखाई. वीजा एप्लीकेशन की बढ़ती मांग को देखते हुए VFS ग्लोबल ने सेंट्रल लंदन में भारतीय उच्चायोग के लिए भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोला है. टाटा ग्रुप ने आखिरकार एयर एशिया इंडिया में 100% की हिस्सेदारी ले ली है. MAJS के ताजा रिसर्च के अनुसार एशिया पैसिफिक रीजन में जुलाई से सितंबर 2022 के बीच होटल ऑक्यूपेंसी 60% रही, जो 2019 की तुलना में महज 3% कम है. भारतीय एयरटेल ने कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल पर 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा की शुरुआत की. इस साल उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर्स में रिकॉर्ड 20,000 टूरिस्ट पहुंचे. विशेषज्ञों ने यात्रियों की संख्या में कमी किए जाने की मांग की. अकासा एयर ने पुणे को अपने 9वें डेस्टिनेशन के रूप में चुनते हुए 23 नवंबर से डबल डेली फ्लाइट्स की शुरुआत करने की घोषणा की. मुंबई हवाई अड्डे ने विशेष रूप से निजी जेट विमानों के लिए नवीनीकृत टर्मिनल खोला. उत्तर प्रदेश अपने आप को पर्यटन के मानचित्र पर पहले स्थान पर लाने के लिए कोशिशों में जुटा. मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश पर्यटन का हब बनेगा. आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक पर्यटकों के लिए प्रदेश में भी दूसरे तीसरे नंबर पर हम लोग हैं, लेकिन अब हम लोग पहले नंबर पर आने के लिए सतत रूप से जारी है. और हमें अच्छा है कि कोरोना काल के बाद जहाँ देश का औसत जो पर्यटकों को बढ़ा है उससे कहीं बेहतर औसत उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ा है. अकेले कॉरिडोर बन जाने के बाद काशी में फुटफॉल 10 times बढ़ा है. उसका परिणाम है कि इकोनॉमी में, वहाँ के रहन सहन में, लोगों की आय में ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है. और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपार संभावनाएं हैं.